साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो लेके आया हूं, जिसका आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उर्दू आईएएस स्टडी सेंटर यानी उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी द्वारा संचालित ये सिविल सर्विसेज कोचिंग, जो फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग है आप सभी के लिए, जहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की कोचिंग दी जाती है और स्टेट पीसीएस की भी। जी हां साथियों, यहाँ पे हर साल स्टूडेंट की एडमिशन होती है, एक रिटन टेस्ट होता है, उसके जरिए आपके दाखिले होते हैं और आपको यहाँ पर रहने की सुविधा होती है, खाने पीने सब चीज़ मिलते हैं। फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग है सिविल सर्विसेज के लिए। तो अगर आप भी फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग चाहते हैं सिविल सर्विसेज की, तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के जो उर्दू आईएएस स्टडी सेंटर है, वो आप सभी को आमंत्रित करता है। आज के इस वीडियो में इसमें एडमिशन से रिलेटेड वो सारी जानकारी आपको देने वाला हूं कि किस तरह आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट है और बहुत सारी ऐसी बातें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी मैं उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की वेबसाइट पे हूं और आपको ले चलता हूं। आपको जाना है कहां पे दोस्तों? एक्टिविटीज जानी है, उसमें नोटिस पे जाएंगे। नोटिस पे जैसे जाएंगे तो यहां पे आपको सारी नोटिस नजर आ जाएगी, लेकिन आपको नोटिस पे जाना है सबसे लास्ट, जो 28 अगस्त को नोटिस अपलोड की गई है। इस पे अगर हम जाएंगे तो आपको यहां पे आएगा उर्दू आईएएस स्टडी सेंटर एडमिशन गाइडलाइंस। ठीक है, ये इनका 8 बैच है जो 2023 के लिए आया है। ये लिंक है, इसको लिंक को क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पे आपको उर्दू आईएएस स्टडी सेंटर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे नॉर्मल नोटिफिकेशन जो बहुत ही नॉर्मल ढंग से ये लोग निकालते हैं पेपर में, तो यहाँ पे है ये, खैर इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ये है एडमिशन गाइडलाइंस और एडमिशन नोटिस। तो सबसे पहले एडमिशन नोटिस में जाते हैं। एडमिशन नोटिस पर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो आपको पढ़ लेनी चाहिए, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ ये है कि दोस्तों, ये 8 बैच है, यहाँ पे सिविल सर्विसेज की कोचिंग तो मिलती ही, साथ में स्टेट यूपी स्टेट की अगर कोई तैयारी करें तो उनकी भी कोचिंग होती है। और यहाँ पे ये 8वां बैच है जो इस बार शुरू होगा 2022 और 2023 के लिए। यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले आपको देखना हो, ये माइनॉरिटीज़ के लिए दोस्तों। माइनॉरिटीज़ में जितने भी मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, पारसी आते हैं, जैन आते हैं, वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो टेस्ट सेंटर है, वो टेस्ट सेंटर लखनऊ, दिल्ली और गोरखपुर, ये तीन जगह टेस्ट सेंटर होगी। दिल्ली में ज़्यादातर जामिया में ही इनके टेस्ट सेंटर होते हैं, तो वहाँ पे होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। देखिए, वैसे तो फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 28 सितंबर लिखा है, ये गलत प्रिंट हो गई है, 28 अगस्त होनी चाहिए, तो आप इसको 28 अगस्त मानिए। लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर है। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग प्रिंटेड कॉपी ऑफ फॉर्म 8 अक्टूबर है। लास्ट डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन 16 अक्टूबर को एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी, रिजल्ट 31 को आ जाएगा। काउंसलिंग जो है 4 या 5 नवंबर के आसपास होगी और 10 नवंबर से आपके जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे अच्छी सुविधा दोस्तों, ये मैं मानता हूँ, यहाँ पे जो आपके रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आपको जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पे वाईफाई फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, हॉस्टल्स हैं, एसी हैं सारे हॉस्टल्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको फ्री में सिविल सर्विसेज की कोचिंग दी जा रही है, जो कि बेस्ट पार्ट है। चलिए, ये नोटिस होगी, अब हम चलते हैं गाइडलाइंस क्या है। इसकी गाइडलाइंस कुछ बड़ी है, लेकिन मैं सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो है, दिस कोचिंग सेंटर इज रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटी स्टूडेंट, तो ये माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए है। दूसरा ये दोस्तों, कोचिंग क्लासेस विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। तो बहुत सारे आप लोग स्टूडेंट पूछते हैं कि सर, यहाँ पे हिंदी में पढ़ाई होगी या इंग्लिश में पढ़ाई होगी या उर्दू में, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इन तीनों लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल है वहाँ पे उस लैंग्वेज में आपको कोचिंग दी जाएगी। तीसरा पॉइंट है, दोज हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आर ओनली एलिजिबल। देखिए, अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो नहीं, लेकिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है, द कैंडिडेट शुड नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑफ एनी एनजीओ। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। द एज ऑफ कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन, 21 साल से आप कम नहीं एज हो आपकी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं 8वें पे, कैंडिडेट कैन फिल फॉर्म बाय विजिटिंग अकेडमी वेबसाइट। चलिए, इस पर मैं आपको ले चलूँगा, कैसे फॉर्म भरनी है इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं पॉइंट्स 9 में, द एडमिशन फी ऑफ, देखिए 500 आपको फ़ी लगेगी जो डिपॉजिट करनी है आपको इंडियन ओवरसीज बैंक के ज़रिए। उसके बाद 10वां पॉइंट है ये दोस्तों, ऑनलाइन फील्ड फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन शुड बी सेंड टू डायरेक्टर उर्दू आईएएस स्टडी सेंटर, पारामोहन रोड, लखनऊ 226017, ऑन और बिफोर 8th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर
11th क्या है, एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑर्गेनाइज ऑन 16th अक्टूबर एट लखनऊ, दिल्ली एंड गोरखपुर, जो कि आप जानते हैं। उसके बाद हम पॉइंट 12 की बात करेंगे, एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफ 150 मार्क्स, ठीक है, 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देयर इज ए प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी एन एसे पेपर कैरिंग 50 मार्क्स फॉर 1 आवर, ठीक है। तो एसे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जीएस के। इफ एनी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव नॉट रिपोर्टेड 5 PM ऑन 4th or 5th November फॉर काउंसिलिंग, हिज सीट विल बी गिवन टू द नेक्स्ट कैंडिडेट, वेटिंग लिस्ट वाले जो होंगे उनको दे दी जाती है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड फ्री अकोमोडेशन, फूडिंग, कैंपस वाईफाई, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब एंड अदर मॉडर्न फैसिलिटी। तो यहाँ पे आपको अकोमोडेशन हॉस्टल मिल रही है, फूडिंग मिली है, कैंपस, ये सारी चीज़ें फ्री मिली है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। यूपी गवर्नमेंट के अंडर आता है, यूपी गवर्नमेंट इसको संचालित करती है। वेरीफिकेशन ऑल डॉक्यूमेंट विल बी कंडक्टेड इन केस एनी डिफॉल्ट, खैर ये तो आप जानते ही है। चलते हैं 16 पॉइंट नंबर 16 पे बात करेंगे। सक्सेसफुल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू हैज डिपॉजिट ऑफ 5,000 रुपीज़, अगर आपके सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपको 5,000 रुपीज़ इन कैश देनी पड़ती है, और जब आप कोचिंग कंप्लीट कर लेंगे तो वो वापस हो जाएगी, तो रिफंडेबल होता है। अब हम बात करेंगे 21 पॉइंट नंबर 21, ओनली 72 सीट्स आर अवेलेबल, ठीक है, जिसमें कि 64 सीट्स होते हैं मेल के लिए और 8 सीट, जैसे मैं बता रहा था आपको, 8 सीट्स गर्ल्स के लिए होते हैं। तो गर्ल्स कैंडिडेट थोड़े मायूस होंगे, लेकिन डोंट वरी, 8 सीट भी बहुत होती है, ठीक है, जहाँ पे आपको फ्री में कोचिंग मिल रही है। तो ये सारी चीज़, बाकी चीज़ें आप जरूर रेगुलेशन वो पढ़ लीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शॉर्ट में बता ली। अब देखिए ये सारी चीज़ हो गई, अब यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इस पे स्टेप 1 पे जाना है, और इस तरह की सर ये इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सारी डिटेल आपको देनी है। इसको करने के बाद स्टेप 2 में जाना है, जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है आपके इंडियन ओवरसीज़ बैंक की। उसके बाद लॉगिन करके आपको फॉर्म प्रिंट कर लेनी है, बस इतना ही करना है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है, जो कि लेके आया है उर्दू, आपके उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी, जो हर साल आपकी टेस्ट लेके आपके एडमिशन लेता है, और आपको यहाँ पे फ्री में सिविल सर्विसेज की कोचिंग के साथ साथ स्टेट की भी अगर आप कोचिंग करनी है तो वहाँ पे आपको फ्री में सिविल सर्विस कोचिंग दी जाती है, और रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जैसा कि हमें पता चला है, कोचिंग भी होती है। जीएस मेंटोर की फैकल्टी है, और पता नहीं पहले थी अभी क्या है उनको पता नहीं, लेकिन फैकल्टीज अच्छी होती है। इसके अलावा आपके लिए फूडिंग और वाईफाई, एसी, हर रूम में आपको एसी मिलती है, ये सारी चीज़ें, सारी एम्यूनिटीज़ है, एक अच्छा माहौल है। आप यहाँ ज़रूर ट्राई करें, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आया था। उम्मीद है कि आपको ये दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी को बताइए जो फ्री में सिविल सर्विसेज की कोचिंग लेना चाहते हैं। वन मोर थिंग दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है, इसलिए आप जो भी माइनॉरिटीज़ सेक्शन से आते हैं आप इसको जरूर अप्लाई कीजिए। थैंक यू।